विधायक राजेंद्र सिंह गुड़ा का बड़ा बयान, मायावती पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया है। विधानसभा में सेमिनार के दौरान ये बयान दिया है। बीएसपी में एक व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता है पैसे लेकर, ये कहा है, और यदि उससे ज्यादा कोई पैसे दे देता है तो उसका टिकट काट कर दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है, और कोई तीसरा ज्यादा पैसे दे दे तो उसे दूसरे व्यक्ति से अलग उसे टिकट दे दिया जाता है। इस पर राजेंद्र राठौड़ बोले, इसका जवाब तो मायावती ही दे सकती हैं। राजेंद्र गुड़ा ने विधानसभा की सेमिनार में विशेषज्ञों से पूछा, पैसे लेकर टिकट दिए जाने की समस्या का समाधान क्या है। पैसे लेकर टिकट दिए जाने की समस्या का समाधान राजेंद्र गुड़ा यहाँ मांगते हुए नजर आए। हालांकि उन्होंने ये बड़ा बयान यहाँ पर दिया कि मायावती पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप भी वो यहाँ लगा रहे थे, और विधानसभा में जब ये सेमिनार चल रहा था उस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के अंदर पैसे लेकर टिकट दिया जाता है क्या, और उसमें ज्यादा पैसे और दे देता है तो उसका टिकट कट के दूसरे को मिल जाता है, फिर तीसरा और ज्यादा देता तो दोनों का कट के तो आगे हो जाता है, तो इसका आपके पास कोई उपाय क्या? मेरा सुभाष जी से एक छोटा सा प्रश्न है कि हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के अंदर पैसे लेके टिकट दिया जाता है क्या, और उसमें ज्यादा पैसे और दे देता है तो उसका टिकट कट के दूसरे को मिल जाता है, फिर तीसरा और ज्यादा देता तो दोनों का करते तो आगे हो जाता, तो इसका आपके पास कोई उपाय क्या? मेरा सुभाष जी से एक छोटा सा प्रश्न है कि हमारी पार्टी तो सेमिनार के दौरान यहाँ राजेंद्र गुड़ा ये बयान देते हुए नजर आए, बेहद बड़ा बयान यहाँ दे रहे थे, और जब ये बयान उन्होंने दिया तो यहाँ अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष जो थे वो भी यहाँ मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, और इस पर हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, एक बड़ा बयान राजेंद्र गुड़ा की तरफ से आता है, अब क्या रिएक्शंस आएंगे, क्या कुछ रहेगा? देखिए मेघा, बहुत बड़ी बात है कि उनकी पार्टी पर उन्होंने आरोप लगाए हैं, और राजेंद्र गुड़ा जो है कि अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। आज इस सेमिनार में जिसमें कि संसदीय परंपराओं को लेकर बात हो रही थी, तो उन्होंने इतनी बड़ी एक चर्चा छेड़ दी है जिसको लेकर कि हालांकि राजनीतिक गलियारों में इस तरीके की बातें पहले होती रही है, लेकिन बिना हाथ पैर की बातें समझकर लोग विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि उनकी पार्टी में पैसे लेकर, बहुजन समाजवादी पार्टी में पैसे लेकर टिकट दे दिया जाता है, यदि कोई दूसरा व्यक्ति ज्यादा पैसे देता है तो उसका तुरंत ही टिकट काट दिया जाता है, दूसरे को दे दिया जाता है, और दूसरे व्यक्ति से ज्यादा तीसरा व्यक्ति पैसे दे देता है तो उसे टिकट दे दिया जाता है। तो इस बात को लेकर लोग कुछ हंसे भी और कुछ जो है वो विस्मय से भी भर गए कि आखिर ये क्या माजरा है। लेकिन उनका हंसने के पीछे का रीजन क्या था, क्या उन्हें पहले से मालूम था कि ये सिस्टम चलता है इसलिए उन्हें हंसी आई? लेकिन राजेंद्र राठौड़ जो कि इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे, इस सत्र में थे मौजूद चेयर पर, तो राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इसका जवाब आपको ये स्पेशलिस्ट नहीं देंगे, विशेषज्ञ नहीं देंगे, इसका जवाब आपको मायावती ही दे सकती है। तो ये एक बड़ी बात जो है वो बोल गए राजेंद्र गुढ़ा, और राजेंद्र गुढ़ा के इस बयान के बाद क्या कुछ बहुजन समाज पार्टी का बयान आता है, बहुजन समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बहुजन समाज पार्टी के अन्य राजस्थान के अध्यक्ष हैं, वो क्या बयान देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज स्पष्ट तौर पर हो गई है कि राजनीति में शुचिता की बात करना बेमानी है। राजनीति में जब विधायक इतनी बड़ी बात बोल दे तो इसमें विश्वास तो करना पड़ेगा ही। जी जी बिल्कुल। और ऐश्वर्य देखिए, जब विशेषज्ञ इस बात को सुन रहे थे तो उन्होंने भी हाथ जोड़ लिया कि भाई हम इस बात का जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन राजेंद्र गुड़ा जो इतना नाम है उसके बावजूद अगर वो अपनी ही पार्टी की जो अध्यक्ष है मायावती है उनके खिलाफ ये बयान दे रहे हैं कि हमारी पार्टी में ऐसा होता है तो इसे तो बहुत बड़ी बात मानी जाए। और इसके बाद अब जो उनकी वो खुद है राजेंद्र गुड़ा, उन पे भी एक संकट आ सकता है। अब देखिए मेघा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजेंद्र गुढ़ा ने अगर ये कहा है तो क्या वो खुद व्यथित रहे हैं इस चीज को लेकर, क्या उनसे पैसे मांगे गए हैं, ये चीज देखने वाली होगी, क्या उन्होंने किसी को पैसे दिए हैं या नहीं दिए, ये तमाम प्रश्न उनसे पूछेंगे इस सेमिनार के बाद, उनसे
बातचीत करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन एक चीज साफ है कि राजेंद्र गुढ़ा जो है वो बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बेबाकी के साथ अपनी बात कह दी जो उन्हें कहनी थी और बहुत बड़ी बात वो बोल कर गए हैं। इस उनके इस बयान के क्या रिजल्ट आते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन राजनीति में शुचिता की बात जो लगातार की जाती रही है वो है होती नहीं है अमूमन, ये बात उन्होंने साबित कर दी है। हालांकि हर एक राजनीतिक पार्टी अपने आप को साफ सुथरा करार देती है, लेकिन जब उन्हीं राजनीतिक पार्टियों के लोग कुछ आरोप लगा देते हैं तो लोग सोचने पर विवश हो जाते हैं। हालांकि साक्ष्य जो है बिल्कुल राजनीतिक पार्टियों में ऐसे आरोप लगते रहते हैं, लेकिन जब खुद के ही लोग ऐसे आरोप लगाएं तो ये प्रश्न चिन्ह बनता है और जो आम जनता है वो भी सोचने पर मजबूर होती है कि आखिर राजनीति में पॉलिटिक्स में होता क्या है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आपका।